नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है, या मैं कहूंगा भाई न्यूज आ रही है, वो आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। बेसिकली काफी ज्यादा लीक्स और रूमर्स हमारे सामने आए हैं, और आइस यूनिवर्स मशहूर है कि भाई इसके लीक्स और रूमर्स भाई के कमाल होते हैं। तो पहला रूमर तो ये कहता है कि भाई सैमसंग इज कंसिडरिंग कैरिंग अ 200 मेगापिक्सल सेंसर फॉर गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले साल S22 आने वाला है, तो उसके अंदर ये नहीं हो रहा, ये S23 अल्ट्रा की बात की जा रही है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हमें 13 घंटे पहले खबर देखने को मिली है, वो ये है कि Note 22 अल्ट्रा भी आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई Note 22 क्यों आ रहा है, Note 21 क्यों नहीं आ रहा, तो भाई शायद उसके पीछे रीज़न ये है कि इस साल क्योंकि नोट सीरीज़ को स्किप किया गया है, तो सैमसंग नहीं चाहती कि एस सीरीज़ और नोट सीरीज़ में कोई भी डिफरेंस रहे जैसे पहले था। तो शायद इसी वजह से जो अगला नोट फ़ोन होगा वो Note 22 होने वाला है, और उसमें भी अगेन वही मॉडल्स होंगे जो पहले आते थे, यानी कि आपको नॉर्मल प्लस और अल्ट्रा मॉडल्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और न्यूज़ जो कि सामने आई है, जो कि साउथ कोरियन और यूरोपियन एरियाज़ के लिए लिखी गई है, वो खबर ये है कि जो एक्जिनोस के यूज़र्स हैं, बाय द वे पाकिस्तान के अंदर भी हमेशा एक्जिनोस आता था, लेकिन इस बार क्या है कि खबर ये आ रही है कि एक्जिनोस प्रोसेसर ज़्यादा बेटर आने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू द स्नैपड्रैगन 1, और एक्जिनोस की शॉर्टेज भी है, तो बहुत कम चांसेस है कि पाकिस्तान में S22 एक्जिनोस के साथ आए। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो स्नैपड्रैगन 898 के साथ आए, और इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, क्योंकि इससे पहले क्लियर होता था कि स्नैपड्रैगन बेहतर है, एक्जिनोस थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इस साल उम्मीद है कि एक्जिनोस थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन वो नीचे भी आ सकता है। तो स्नैपड्रैगन वाला जो है वो ज़रा ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, और एक्जिनोस वाला जो है उसके बारे में उम्मीद की जा रही है कि वो ज़रा ज़्यादा पावरफुल होगा।